नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। और आज के टॉपर स्टॉक में हमारे साथ हैं सुमित राय। सुमित राय ने गेट 22 में ऑल इंडिया रैंक 85 स्कोर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पेपर में। इनके मार्क्स हैं 61.33 एंड रैंक है 85। ये कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं और अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी फाइनल ईयर में ही इन्होंने इतना अच्छी रैंक स्कोर की है। थर्ड ईयर में भी इन्होंने गेट दिया था 21 में और उस समय इनकी रैंक थी लगभग 2200। सो 2200 से 85 तक काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने। सो आइए इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन की, ताकि आपके लिए एक इनपुट मिल सके, जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनको एक इनपुट मिल सके, वो भी अपनी प्रिपरेशन में सुमित के द्वारा यूज स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि सुमित की तरह उन्हें भी एक बड़ी सक्सेस मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस वंडरफुल अचीवमेंट। थैंक यू सर। मैं पहला क्वेश्चन आपसे यही जानना चाहूंगा कि कब इरादा बना प्रिपरेशन का, कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया? सर, मैंने जो फोर्थ सेमेस्टर था उसमें मैंने मेडीजी में ज्वाइन किया था। उस समय से ही मुझे मैंने इरादा बना लिया था कि गेट देना होगा और एक फ्यूचर बिल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, तो फोर्थ सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर से ही बहुत अर्ली स्टेज में आपने डिसाइड कर लिया। हाँ सर, एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उन्हें सफिशियंट समय मिलता है। तो आपने मेडिजी थर्ड ईयर में ज्वाइन किया था या सेकेंड ईयर में ही ज्वाइन कर लिया था? सेकेंड ईयर में ही ज्वाइन किया था, फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में ज्वाइन किया। तो जब आपने क्लासेस ज्वाइन की तो इनफैक्ट कोविड की वजह से क्लासेस तो सारी ऑनलाइन रही होंगी। हाँ सर, तो हाँ। मैंने सर जनवरी में ज्वाइन किया था, तब 2 महीने मार्च तक क्लास हुआ था। तो हमारा जो एप्टीट्यूड था और एप्टीट्यूड पूरा खत्म हो गया था और जो इंजीनियरिंग मैथ्स था उसमें लीनियर एलजेब्रा और कैलकुलस का कुछ पार्ट कवर हो चुका था। और उस समय माइक्रोप्रोसेसर 8085 था, तो वो भी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सर कोविड हो गया और फिर सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आने लगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी एक्सीलेंट थे सर। उसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उससे मेरा जो सब्जेक्ट के प्रति जो इंटरेस्ट है वो सर डेवलप कर गया और सर उससे ही कंटिन्यूटी मैंने रखने की कोशिश की। गुड गुड गुड। तो ये जो स्विच हुआ ऑफलाइन से ऑनलाइन में, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई आपको शुरुआती दिनों में या आप बड़ा अच्छे से मैनेज कर ले गए दोनों चीजों को? सर पहले पहले तो थोड़ा सा ऑड लगता था क्योंकि क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर था वो नहीं मिल रहा था, पर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी दिनों के बाद वो सब नॉर्मल सा ही हो गया, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आपने जब ये लेक्चर्स देखे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि शुरुआती दिनों में रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही दिए गए थे, तो उनका कोई सेल्फ नोट्स वगैरह भी बनाते थे पढ़ते वक्त या फिर जो कुछ भी वीडियो देख लिया वो सफिशिएंट था? नो सर, मैंने हर एक सब्जेक्ट्स का नोट्स बनाया था और बहुत ही डिटेल्स नोट्स भी बनाए थे और लास्ट में शॉर्ट नोट्स भी मैंने तैयार किया था। अच्छा, तो आपके ओपिनियन में नोट्स का कितना रोल रहता है प्रिपरेशन में, बनाना चाहिए या फिर बुकमार्क कर लेना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? सर मैंने तो नोट्स बनाया था, नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहे सर, क्योंकि रिवीजन के टाइम में और जो फाइनल प्रिपरेशन के टाइम में नोट्स को देखकर ही सब कुछ याद आ जाता था, तो नोट्स बहुत ही क्रूशियल है सर मुझे। अच्छा, लगता है सोर्स ऑफ स्टडी क्या रहा, आपने प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीजें यूज की? सर मैंने पूरा प्रिपरेशन ही मेडिजी की नोट्स के साथ ही की, मेडिजी के जो कोर्सेज थे उसमें ही मैंने एनरोल की और उसके साथ ही मैंने प्रिपरेशन की, कोई और कोई बुक मैंने फॉलो नहीं किया। अच्छा, टेस्ट सीरीज का किस तरह से यूटिलाइजेशन किया? सर टेस्ट सीरीज जब मैंने दिया था तो जब मैंने 2021 में गेट दिया था तो उस बार मैंने उतने ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं दिया था, तो क्या हुआ कि एग्जाम में
क्वेश्चंस बन रहे थे बट बहुत टाइम लग रहे थे, तो मैंने तब क्या किया, इस बार से मैंने डिटेल्स में सब टेस्ट सीरीज दिया, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज, जो टॉपिक वाइज से लेकर जो एडवांस लेवल कर लेवल का जो मॉक टेस्ट भी था सब, वो सब दिया मेडिसिन का। तो टेस्ट सीरीज देने के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, लग रहा था कि होगा कुछ ऐसा ही सर। अच्छा, जैसे आपने शुरुआत में पढ़ाई करना ऑफलाइन क्लासेस में स्टार्ट किया और उस समय कॉलेज भी जाते रहे होंगे, लेकिन ये पिछला 2 साल जो था वो कॉलेज भी ऑनलाइन हो गया और क्लासेस भी, मेडिजी की क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई, तो कभी कोई निगेटिविटी दिमाग में आई हो कि लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वजह से कभी कोई डिमोटिवेशन आया हो, उसको कैसे मैनेज किया? सर वैसा कॉलेज ऑनलाइन ही चल रहा था तो उतना ज्यादा मुझे पता नहीं चल रहा था कि कोई फ्रस्ट्रेशन मुझ में ग्रो नहीं हुआ, और एक एम था कि गेट क्रैक करना ही है इस बार, तो इसलिए मैंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया बाहर की चीजों में। तो कुल मिलाकर के आप बड़ा फोकस्ड रहे और फोकस्ड रहने की वजह से अदर निगेटिविटीज नहीं आई दिमाग में, बहुत अच्छी बात है। अभी आप इस स्कोर कार्ड का क्या यूज करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहेंगे या फिर एमटेक करने का इरादा है, क्योंकि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अभी कंटिन्यूटी है आपकी पढ़ाई में। सर मैं एमटेक करना ही चाहूंगा, भेलेसाई लेकर अगर मिले तो मैं भेलेसाई लेकर ही एमटेक करना चाहूंगा। नहीं, ऑब्वियसली आपको मिलेगी, आपकी रैंक बहुत अच्छी है, आपको भेलेसाई जरूर मिलेगी, सो एमटेक की तरफ जाने का इरादा है, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, क्योंकि कंटिन्यूटी में जितनी डिग्री ऐड की जा सके उतना बढ़िया रहता है। आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन के लिए क्या क्रूशियल है, सिर्फ कंसेप्ट डेवलप करना या सफिशियंट प्रैक्टिस करना, या दोनों में एक बैलेंस बना करके रखने की जरूरत है कि कंसेप्ट बिल्डअप करना क्लास से एंड प्लस प्रैक्टिस करना, किस तरह से? सर मैंने क्या किया, मैंने जो मेडिसिन का जो वर्कबुक है वो 2-3 बार हर एक सब्जेक्ट के लिए ही सॉल्व किया था, और स्पेशली जो सब्जेक्ट मुझे टफ लग रहे थे जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, तो उसमें मैंने 3 बार या 4 बार भी रिवाइज किया जो वर्कबुक था, और मैंने सर टेस्ट सीरीज को सर एज ए टूल ऑफ रिविजन भी देखा, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब देते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, और उसमें क्या होता है कि रिविजन भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो मैंने सर टेस्ट सीरीज का भी इस्तेमाल किया एज ए टूल ऑफ रिविजन, और सर मैंने 2-3 बार मैंने रिविजन किया था लॉन्ग नोट्स को, और शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाया था, तो वो भी लास्ट के कुछ महीनों में बहुत ही काम आए। आप जैसे फाइनल ईयर में हैं तो ऑब्वियसली कैंपस प्लेसमेंट वगैरह भी चल रहा होगा, तो उसमें पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? सर मैंने पहले 2-3 इंटरव्यू में बैठा हूँ बट उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट मैंने नहीं किया। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट थे कि आपका गेट में हो जाएगा? हाँ सर, गेट में एमटेक करने का ही इरादा बना लिया था। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है कि आप फोकस्ड और कॉन्फिडेंट रहे हैं कि आपका। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मतलब डेली मैनेजमेंट कैसा रहता था आपका, क्योंकि ये 2 साल की प्रिपरेशन लगभग आपने लिया, थर्ड ईयर से आपने डिसाइड कर लिया था, बल्कि आपने सेकंड ईयर से ही डिसाइड कर लिया था, तो डेली का शेड्यूल कैसा रहता था, मैनेजमेंट कैसा रहता था, या सब्जेक्ट वाइज मैनेज करते थे पढ़ना या फिर टॉपिक वाइज मैनेज करते थे, किस तरह से करते? सर मैंने सब्जेक्ट वाइज ही मैनेज किया, जो सब्जेक्ट मैं चूज करता था वो सब्जेक्ट होने के बाद ही मैं दूसरा सब्जेक्ट पकड़ता था, तो पहले मैंने सब सब्जेक्ट्स को रिविजन किया, और उसके बाद सर मैंने 2 सब्जेक्ट्स को भी एक साथ रिविजन कर लास्ट के कुछ महीनों में किया, तो 2 सब्जेक्ट्स एक साथ भी कुछ समय समय देकर रिविजन हो जाता आप, था। क्योंकि आपकी बहुत अच्छी रैंक है, तो आप अगर कमिंग स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को अगर बताना चाहें कि कौन सी सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट पर कम ध्यान देना चाहिए, या ईसी के कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं गेट के लिए, तो क्या सजेशन रहेगा आपका?
मुझे मुझे लगता है कि सर जो मैथ्स है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैथ्स के क्वेश्चंस तो करना ही चाहिए. और मुझे लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो थोड़ा प्रैक्टिस के क्योंकि उसमें गलती बहुत ज्यादा होती है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एनालॉग डिवाइसेस में भी मुझे लगता है प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना प्रैक्टिस नहीं लगता. और से कंट्रोल सिस्टम्स भी आसानी से हो जाता है. अच्छा, तो ये जो कोर दो तीन सब्जेक्ट हैं इनमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, ईडीसी एनालॉग एंड ईएमटी, इनमें. बाकी के सब्जेक्ट आपके हिसाब से आसानी से हो जाते हैं. हाँ सर. कम्युनिकेशन को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है, उसमें कितना प्रैक्टिस की जरूरत? कम्युनिकेशन सर, मैंने जब थर्ड ईयर में था तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट लगता था, पर मेडिसी का जो 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 कोर्स था उसमें ज्वाइन करने के बाद तो मुझे स्पेशली डिजिटल कम्युनिकेशन के प्रति एक बहुत ही इंटरेस्ट फील होने लगा. तो डिजिटल कम्युनिकेशन मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था. डिजिटल कम्युनिकेशन में सर मैं ट्राई करता था कि जो भी क्वेश्चंस आए वो सॉल्व हो जाए, ऐसा ही मैं ट्राई. और आजकल गेट में पिछले कुछ सालों में डिजिटल कम्युनिकेशन का ही ज्यादा वेटेज रहा है रादर देन एनालॉग कम्युनिकेशन, थोड़ा सा पैटर्न भी शिफ्ट हुआ है. तो सुमित, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट यंग स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहें, या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आप अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर सकते हैं, या आप शेयर कर सकते हैं कि आफ्टर दिस रिजल्ट किस तरह से आपकी लाइफ में चेंज आया है, क्या पॉजिटिविटी आई है, तो आप फ्रीली शेयर कर सकते हैं उस चीज को. सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस समय क्या था कि सब्जेक्ट्स के उतना नॉलेज नहीं था, तो बाद में क्लासेस करने के बाद सब्जेक्ट्स का नॉलेज बिल्डअप हुआ, इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, और आगे जाकर क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगे. और मैंने फर्स्ट ईयर में जो पहली बार जब थर्ड ईयर में मैंने जो गलतियां की थी तो वो फोर्थ ईयर में मैंने नहीं किया, क्योंकि पहली बार मैंने टेस्ट सीरीज का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया. मुझे लगता था कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो फाइनल एग्जाम में भी हो जाएगा, पर वैसा नहीं होता है. टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है. बिल्कुल. सो टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस मैंने समझा सर. तो सुमित से आपको ये सीखना चाहिए कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एग्जाम प्रेशर में. टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज से या डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से, तो आपको बहुत मदद मिलेगी. सुमित, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी इस सक्सेस स्टोरी से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी उनका करियर प्लान करने के लिए. आपने बड़ा अर्ली स्टेज में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ये लोगों को सीखना चाहिए कि सेकेंड ईयर में अगर किसी ने डिसीजन ले लिया तो उसका गोल कितना क्लियर रहा होगा. और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप BLSI से MTech करना चाहते हैं, तो जिस भी कॉलेज से आप MTech करना चाहते हैं आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, और BLSI से MTech करने के बाद एक बहुत ही अच्छा आपका फ्यूचर बने. इस शुभकामना के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं पर कंक्लूड करना चाहेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, और अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली. थैंक यू सर.